दरभंगा के जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने सतर्कता भी चेतना की दिलाई प्रतिज्ञा। दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा सतर्कता भी चेतना सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत समाहरणालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों को सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई। जिलाधिकारी ने कहा कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक संपूर्ण जिला में सतर्कता भी चेतना सप्ताह मनाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दीपावली एवं छठ पर्व को लेकर पत्रकारों ने जब इनसे पूछा कि इस अवसर पर क्या कुछ व्यवस्था है जिला प्रशासन के द्वारा, तो इन्होंने पत्रकारों को दी विस्तृत जानकारी। आइए सुनाते हैं पूरा क्या कार्यक्रम था और पर्व त्योहार को लेकर जिला पदाधिकारी ने क्या बताया। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से, मनोज झा। हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए उनके कार्य से संबद्ध नियमों विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे। हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा सूचना प्रदाता तंत्र उपलब्ध कराएंगे। हम संबंधित पक्षों तथा समाज के अधिकारों एवं हितों का समग्र रूप से संरक्षण करेंगे। निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं। हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति संहिता बनाएंगे। हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों जिला प्रशासन की तरफ से हमारी प्राथमिकता में शामिल है। सर्वप्रथम जो दीपावली का अवसर है, सबसे पहले मैं सभी जिलावासियों को शुभकामना देना चाहूँगा और छठ के लिए भी और दीपावली के लिए भी। दीपावली में जो पटाखों का प्रयोग है, इसके संदर्भ में स्पष्ट गाइडलाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भी आया हुआ और हम लोगों ने भी सभी को सर्कुलेट किया है। जो पटाखे के संदर्भ में है, जो हानिकारक पटाखा है उसकी बिक्री पे पूर्णतः प्रतिबंध है और जो अलाउड कैटेगरी के पटाखे क्रैकर्स हैं उसके लिए जो हमारा लाइसेंस होल्डर विक्रेता है उनको भी पूरी सुरक्षा के साथ वो विक्रय करेंगे और बाकी जो अवैध रूप से बिक्री करते हैं जो लाइसेंस होल्डर नहीं है उनको प्रतिबंधित करने के लिए और इस पर निगरानी रखने के लिए सभी थाना को निर्देश दिए गए हैं। छठ के संदर्भ में हम लोगों ने जो रूट वेरिफिकेशन है, जो यातायात की व्यवस्था है, या धनतेरस को भी शहर में यातायात व्यवस्था के लिए बृहद कार्य योजना बनाई गई है। छठ घाट की साफ सफाई, उसमें कोई डूबने की घटना घटित न हो इसके लिए व्यापक एहतियातन इंतजाम, ये सारी चीजों पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिले में छठ और दीपावली का जो ये महान पर्व है बहुत ही आस्था के साथ शांतिपूर्वक और बहुत ही ढंग अच्छे ढंग से मनाया जाए।